Nana hai bani. सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथी और मातृशक्ति, आज बड़ी खुशी का दिन है। जैसा कि आपको पता है, आपका अपना बच्चा, आपका अपना भाई, दोनों परिवार अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम का हिस्सा बनकर अपनी खिलाड़ी का स्वागत करने पहुंची है। और तो हम समझ पा रहा हूँ हमारे एक्सपीरियंस में सबूत के लिए मनाए मात्र सकती से लेकर रोड है सरकार आपने सरकार के भाई साथी आए मात्र सकती पलीज आपकी सरकार के साथ में आए राणा आजा अरे पहलवान जी हैं आप बोलो भाई एक मिनट हाँ जी भाई वेट बोलो भाई एक मिनट बात आज सुनने में आई थी वहाँ पे जहाँ स्टेज पे ये मैटर चल रहा था जहाँ आपका मान सम्मान हो रहा था बहुत बढ़िया थी वहाँ पे एक भाई ने बोला था जिस दिन बोलू फरमाना निजाम प्रोग्राम की टीम में खेल लगा एक पीपा गीत है इसका मान सम्मान कराया जाएगा कब से बोलू फरमाना निजाम प्रोग्राम की टीम में खेलना शुरू करेगा भाई जल्दी ये स्टार्ट करेंगे कुछ ही दिनों में जीत मैच होंगे वहाँ खेलेंगे अब या इस सवाल का जवाब बोलू की बजाय बोलूँगा कोच देव है तो और बढ़िया रहे देखो भाई साहब बोलू छोटा था बोलू रही अगर के इसका खेलना बंद कराऊँ दे उस टाइम मन ने यो
अपने नाम पर गोदनामा करवा रखा है, सब कुछ अपना करेगा, हम हारमोनियम खिलाओ दे, सारा सब के मम करें दे, बढ़िया खेला था, कोई दिक्कत नहीं, हमनू सोचें दे कदे खेलना छोड़ दे, क्योंकि 25 किलो का लग गया था जो मेरे दौरे खेलन। और भाई जब ताज तो इस लगभग बेस्ट कैचे भी लिखा, शुरू में 65 किलो में इसने साइकिल जीती थी, शुरू में पहली बार बेस्ट आया था 28 किलो में इसने गीगा पीपा मिल लिया था गाँव में, और 500 रुपये बेस्ट कैचर के इनाम के, गीगा पीपा हमारे दादा सोमनाथ के मेहनत थे बाबा टेकराम दास, उसने दिया था। अतः उस दिन तो ये फरमाने की टीम में खेला है। अतः आज जब बोलूँ दूसरे देश तक जी खेल गया, जब आओ था, जब स्वागत करें थे, तो पूरा निजामपुर माजरा इसके साथ खड़ा था। अतः निजामपुर माजरे के हर गांव के, मतलब हर आदमी के गांव के सिर्फ यह पुकार थी, अब बोलूँ हमारे गाँव के नाम तो भी खेल रहे एक दिन। अतः इस कारण कही थी, मन ने कही थी स्टेज पर, अगर आगे तो बोलूँ एक रला दो रला में खेलो कितने प्योर पंचायत के मैच खेल लगा, निजामपुर में जरे तरफ से खेल लगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि है इस गांव का। हाँ, क्योंकि देखो इसके कागज भी मारे थे, गोदनामा करवा रखा था, लेकिन पैदाइश इसकी निजामपुर माजरे की है। और जब सारा गांव राम कहने लग जाए ना, और उसके खिलाफ चलना बहुत बड़ी बेकूफी है, क्योंकि आज जब बोलू खेल लगाया तो हमारे फरमाने गांव ने ये चाहिए था कि भाई अगवाणी में खड़ा होगा, बोलो आ स्वागत करें, इसने अपनी सारी जिंदगी फरमाने नाई खो दी, क्यों 25 किलो दा आज ती जो भी खेलिया फरमाने नाम तो बोलू फरमाना रही इन ये काम के सारे ये कहा करते कि भाई मेरा नाम लेकर भी कहा करते कि भाई सोनू मास्टर ने यू नहीं खेलने देता। अदा भाई मैंने इन ये काम ने फिर भी निस्वार्थ भाव दे आज इसका इतना बढ़िया स्वागत कराया। पर भाई आपने भी देखा होगा को 150-200 मोटरसाइकिल थी, 20-25 ट्रैक्टर थे, और सारा गांव खड़ा था, छोटा गांव है इनका, और फिर भी इतने आदमी खड़े थे, पर पीछादायक भी इज्जत दायक सब क्या है इसका इतना सम्मान कराया है। और हमारी कोशिश यह है आगे भाई बहुत जल्दी बोलू निजामपुर माजरे की तरफ तक खेलना स्टार्ट करेगा। बहुत बढ़िया लगे यह बात सुनकर, और भाई पहलवान ने निस्वार्थ भाव था, जो कर गांव ने तेरा साथ दिया, तू भी अपने गांव का साथ दे, और हमनू ना कहते भाई तू फरमाने की टीम में ना खेलिए, उन नजरू तो उसमें भी जरूर खेलिए, क्यों जी कोच साहब? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, क्योंकि उनने भी साथ दे रखा है। लेकिन ये बात मैं भी कहूँगा, एक वो भी टाइम था, देखो मैं उस प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता, वह भी मारे गाँव के थे, कदे जब बोलूँ और 25-25 किलो ये खेला करते ना, मैं इनकी प्रैक्टिस कराया करता, उन पहलवाना ने नू भी कही थी आग भाई सोनू क्यों इन्ना ठाए ठाए आंडा है दूसरे गाँव में, इन मगा कोई प्लेयर नहीं हो सकता, मैंने यह बात कही थी पहलवान से, मेरा तो कर बेक जियो, पर इन मगा प्लेयर करा बना कर छोड़ूंगा, क्योंकि मन है ना पहला मैं इतना ऐसा इंसान हूँ इसमें, मन ने कदे लंगोटी नहीं बांधी, मैं जे भी टीचर हूँ लंगोटी नहीं बांधी, लेकिन मैं 7 साल तक इनकी मेहनत कराऊँ, इन की प्रैक्टिस देख देख कर मन ज्ञान हो गया, इन मैं बताने लग गया नू कर लो